आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। झमाझम बारिश में बिजली विभाग के लाइनमैन पलासते रहे टूटे तार और खंभे। जिले में बारिश से ग्रामीणों और आम लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान लगातार बारिश से औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 1 जगदेशपुर में आधी रात तार टूटने और खंभे गिरने की वजह से क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही लाइनमैन हरीश चंद्र राजेंद्र कुमार राम कुमार अपने साथियों के साथ दिन निकलते ही इलाके का सर्वे करने निकले तो पता चला कि कहीं तार टूटे हुए हैं, कहीं खंभे टूटे पड़े हैं। वहीं रुक रुक के हो रही बारिश और मुश्किलें बढ़ा रही थी। इसके बावजूद लाइनमैन हरीश राजेंद्र कुमार और उनके साथी राम कुमार रामजस राकेश पप्पू लगातार सुधार करने में लगे रहे हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद अगली रात्रि 12:30 बजे क्षेत्र में रोशनी हुई। बताने चले कि यह इलाका UPSIDA के अंतर्गत आता है, जहां जिला पंचायत और प्रधानी द्वारा विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं रहा। वहीं UPSIDA के विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आई। लगातार हो रही बारिश मरम्मत और किराए के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करती है। इसके बावजूद ना बिजली में कोई सुधार, ना नालियों की सफाई तथा रोडों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाल ही में रोड के सुधार के नाम मात्र के लिए रोड पर मिट्टी पड़वाई गई थी, पर हालत बद से बदतर है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी काम होते हैं पर सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं, जिसका खामियाजा औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। UPSIDA व आसपास के आवासीय क्षेत्र में जलभराव बना हुआ है। आपको बता दें कि ठौरा अशरफगढ़ थाना कमरौली मुदपुर सिद्ध कपूरवा आदि जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गांव में जलभराव हमेशा बना रहता है। बंद नालियों व नाले और वहीं पर नेशनल हाईवे 731 प्रकार की संस्था ने जगह जगह अधूरी छोड़ी पुलिया का कार्य, जो रोड का पूरा पानी निचले हिस्से में जमा हो रहा है। अमेठी से उमेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट।